ओके जी, अब आपको दोबारा विजिबल होंगी स्लाइड्स, ठीक है? तो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ही मैं आई यू कैन सी द बुक। कल जो मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में की थी, जो ग्लिम्स दिखाई थी आपको, वो इनके सिक्स एडिशन की ग्लिम्स थी, ठीक है जी? हम फर्स्ट हाफ, अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स जो है उसमें सब कुछ नेटवर्किंग के लेवल पे और लेयर टू लेयर थ्री में स्विचिंग और राउटिंग के लेवल में सेम पेज पे लाने के लिए इस बुक के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? नेटवर्किंग नॉलेज के अतबार से सेम पेज पे लाने में और लेयर टू लेयर थ्री में, ठीक है? तो इनके इसके चैप्टर इनके चैप्टर्स का अगर सीक्वेंस की बात करें तो चैप्टर वन इज इंट्रोडक्शन, चैप्टर टू इज एप्लीकेशन लेयर, चैप्टर थ्री इज ट्रांसपोर्ट लेयर, चैप्टर फोर एंड फाइव इज नेटवर्क लेयर, ये सेवन्थ एडिशन में, ठीक है? नेटवर्क लेयर दो चैप्टर्स में डिवाइड हो गई है क्योंकि एसडीएन की वजह से, ठीक है? और चैप्टर सिक्स जो है वो डाटा लिंक लेयर है। तो हम इन चैप्टर्स को गो थ्रू करेंगे, नॉट इन ग्रेट डिटेल बट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें, ताकि नेटवर्किंग नॉलेज में सारे जो हैं वो सेम पेज पे आ जाएं। और प्लस साथ साथ जो जो कोर्स का मैंडेट है, जिसमें हमने लेयर टू लेयर थ्री नेटवर्किंग और नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर को कवर करना है, वो भी साथ आएंगी चैप्टर फोर फाइव और सिक्स में, इस एडिशन में जो कि इस वक्त आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है? सेवन्थ एडिशन। ओके, सो इंट्रोडक्शन का जो इनका इनके बुक का चैप्टर है, मतलब ये बुक आप सिक्स और सेवन्थ एडिशन में से कोई भी आप ई फॉर्म में अपने पास रख लें या आप प्रिंटेड फॉर्म में रख लें, अगर प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, प्रिंटेड बुक को पढ़ने का अपना मज़ा आता है, ठीक है जी? एंड आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू दीज टू गाइज, बोथ द प्रोफेसर, क्योंकि इन्हीं की पब्लिकली अवेलेबल पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं वो हम मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है? और फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स में ये यूज़ करूँगा, ठीक है? सो इंट्रोडक्शन में हम हमारा गोल है टू गेट अ फील, ठीक है जी? टू गेट अ फील एंड टर्मिनोलॉजी टू गेट फील एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है? हम इंटरनेट को एज एन एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, कल भी हमने बात की थी, और इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं इन सब के डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यूजी लेवल का कोर्स नहीं है, मैं आपको नेटवर्क, सो बेसिकली प्लीज़ डोंट माइंड एंड डोंट वरी अगर मैं आने वाली स्लाइड्स में से कुछ स्लाइड्स को होवर करूँ, ठीक है? बहुत आसान कॉन्टेंट है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर सकूँगा, जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है जो कि आगे कोर्स में बार बार टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी उसको मैं देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम बेसिकली दो चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है जी? हम नेटवर्क के सेगमेंट्स देखेंगे, और नेटवर्क के तीन सेगमेंट्स हैं, नेटवर्क एज, एक्सेस नेटवर्क और नेटवर्क कोर, ठीक है? हम इन तीनों सेगमेंट्स को ज़रा स्किम थ्रू करेंगे, गो थ्रू करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लॉस, डिले और थ्रूपुट, इनको देखेंगे, और फिर OSI मॉडल जो है इसको डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो हम थोड़ी सी जल्दी गुजार लेंगे या हम शायद उसको ना देखें, ठीक है? ये इसका रोड मैप है। अगेन हम 1.3 और 1.4 पर टाइम लगाएंगे, ठीक है जी? ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, आगे ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, आपको पता होना चाहिए नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसा है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, डिले, लॉस और थ्रूपुट, ये सारी, और सर्विस मॉडल OSI का क्या है, ठीक है? तो व्हाट्स एन इंटरनेट, नट्स एंड बोल्ट व्यू यहाँ पे हमारे पास है। ऑब्वियसली बिलियंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज हैं, होस्ट एंड सिस्टम हैं, ठीक है जी? और एंड सिस्टम्स या होस्ट ही वो मशीन्स हैं जो कि इंटरनेट में या तो सोर्स या फिर सिंक ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि सोर्स डेस्टिनेशन, यानी कि या तो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है या वहाँ पे इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है? आइदर दे आर सोर्स और द सिंक ऑफ इंफॉर्मेशन। और अब ज़्यादातर जो एंड सिस्टम्स हैं वो या तो यूजर्स देमसेल्व्स हैं, इस इन दैट केस दे आर द होस्ट इन द फॉर्म ऑफ PC सर्वर, वायरलेस लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह, या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आजकल ज़्यादातर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज सर्वर्स और डाटा सेंटर्स के फॉर्म में, ठीक है जी? वी हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स, मीडियम्स हैं, एंड वो लिंक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है वो कैटेगराइज होते हैं, ठीक है जी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ कौन सा मीडियम प्रोवाइड करता है, फाइबर, कॉपर, रेडियो या सेटेलाइट? एनीवन, जस्ट अनम्यूट एंड फाइबर, ठीक है जी? और अगर मैं आपसे पूछूं इनमें इसमें सबसे ज़्यादा लॉसेस किस मीडियम में होते हैं, लॉसेस? सैटेलाइट मीडिया से कॉपर में सर। कॉपर में होते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा लॉसेस कॉपर में होते हैं, क्योंकि
अभी तक इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसमिशन है, सो बहुत सारे इंटरफेरेंस की टाइप्स हैं जो कि कॉपर के अंदर होती हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा हम नेटवर्किंग में एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस मैट्रिक है RTT, राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है? आपने किसी भी दो होस्ट के दरमियान कनेक्शन की का का की परफॉर्मेंस मेजर करनी हो या किसी लिंक की परफॉर्मेंस मेजर करनी हो, आप सबसे सबसे पहले जो चीज़ कैलकुलेट करते हैं, जिसकी बेस पे देखते हैं, वो डिले होता है, और डिले को आप RTT में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना? राउंड ट्रिप टाइम, यानी कि द टाइम इट टेक्स फ्रॉम दी सेंडर टू द रिसीवर एंड देन द एक्नॉलेजमेंट और दी रिप्लाई कमिंग बैक फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर, राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि यस इस सर, में से, जी सर आप बहुत तेज तेज बोल रहे हैं। अच्छा जी, चलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, असल में आसान बातें बहुत हैं इसलिए, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा RTT किस किस मीडियम का है, किस कम्युनिकेशन लिंक का है? सैटेलाइट का सर। सैटेलाइट का, ठीक है जी, ओके जी। एंड देन वी हैव पैकेट स्विचेस जो कि फॉरवर्ड करते हैं चंक्स ऑफ डेटा, ठीक है? डेटा को चंक्स में डिवाइड करके, मैसेज को जो एप्लीकेशन लेयर से आ रहा होता है उसको चंक्स में डिवाइड करके इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, जो कि यहाँ पे ओवर द इंटरनेट ट्रैवल करते हैं, ठीक है? इंटरनेट इटसेल्फ इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है जी? वी हैव इंटरकनेक्टेड ISPs, ओके? मैनी ISPs हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है जिसमें वो ऑपरेट करती हैं, ठीक है जी? सो लेट्स से न्याटेल, PTCL, वतीन, ये सब ISPs हैं, और फिर ये ISPs आपस में IXP, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स होते हैं, जिसपे ये आपस में पियर करती हैं, ठीक है ना? सो ये पियरिंग पॉइंट्स होते हैं जो कि इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और ताकि ये ग्लोबल इंटरनेट का पार्ट बन सकें, ठीक है? देर आर सेवरल प्रोटोकॉल्स जो कि इम्पोर्टेंट है एक ऑब्वियसली। क्वेश्चन सर, सर जी प्लीज पूछिए। ये मीडिया गेटवे IXG में लगे, IXP में लगे होते हैं मीडिया मीडिया गेटवेज। मीडिया गेटवे एग्जैक्टली क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये पता नहीं, लेकिन गेटवेज जो है ना वो सारे ISP पे ही लगे हुए होते हैं। पियरिंग पॉइंट जो है वहाँ पे हर ISP का गेटवे होता है। सो फॉर इंस्टेंस लेट्स से लंदन के में एक बहुत बड़ी यूरोप की ISP है, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट है, ठीक है ना? वहाँ पे वो एक पियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि सारे नेटवर्क्स आपस में यहाँ पे पियर हो, इससे नेटवर्क्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का कनेक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है? पाकिस्तान में भी इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स हैं, आई थिंक कराची, वो तो हमारे कंट्री का गेटवे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में भी एक ISP जो है वो PTA, न्याटेल और वतीन ने मिलकर स्टैब्लिश की है या कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है? सो यस, गेटवेज वहाँ पे होते हैं। एग्जैक्टली मीडिया गेटवे की टर्म किस लिए यूज़ होती है, आई थिंक दे शुड बी द सेम थिंग, ठीक है? लेकिन ISP डू प्रोवाइड पियरिंग पॉइंट्स टू डिफरेंट ISPs, ठीक है? दो टर्म्स हैं, वन इज़ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड वन इज़ IXP इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। देन ऑब्वियसली इतनी इतना इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज भी होंगी। सो देर इज़ IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, और ये एक तरह से इंटरनेट की गवर्नेंस और इंटरनेट की वेलबींग की जिम्मेदार है, ठीक है? फिर इसकी सब बॉडीज़ भी हैं, ICANN वगैरह, हम लेटर ऑन जब जिक्र आएगा तो देखेंगे, ठीक है? ओके जी, आसान बातें मैं स्किप करूँगा, ठीक है? हम अगर नेटवर्क के स्ट्रक्चर में नेटवर्क के सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बात की, नेटवर्क एज है, ठीक है जी? एज पे आपके पास सिर्फ होस्ट्स हैं जो कि क्लाइंट्स और सर्वर के फॉर्म में, और सर्वर आजकल मोस्टली डेटा सेंटर्स के फॉर्म में, ठीक है जी? एंड इसके अलावा हमारे पास, सो एजेस आपको यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी? इस वक्त ये जो मेरा PC है ये भी एज है, और आप लोग जिस भी चीज़ के जिस भी गैजेट के थ्रू मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, टैबलेट, PC और वट एवर, वो भी नेटवर्क एज है। सो इंटरनेट के बिलियंस ऑफ एजेस हैं, ठीक है जी? बिलियंस ऑफ एजेस हैं इंटरनेट के, ठीक है? एंड हमारा जो सीख से डाटा सेंटर है या गूगल के बड़े बड़े डाटा सेंटर, वो भी एज ही हैं, ठीक है? सो एज पे या क्लाइंट होंगे या सर्वर होंगे, या सोर्स या सिंक होगी इंफॉर्मेशन की, और सर्वर ज़्यादातर डाटा सेंटर के फॉर्म में होंगे। इसके बाद इस फिगर पे अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो देन वी हैव द एक्सेस नेटवर्क, ठीक है जी? जिसको लास्ट माइल भी कहते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है? तो एक्सेस नेटवर्क जो है वो वायर्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, वायरलेस के फॉर्म में भी हो सकता है, और इस फिगर में हमें सारी टेक्नोलॉजीज नज़र आ रही हैं एक्सेस की। सो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क भी है जो ईथरनेट बेस्ड है, हमारे पास होम नेटवर्क भी है
जो ADSL वगैरह यूज़ कर रहा होगा, हमारे पास मोबाइल नेटवर्क भी है जो LTE 4G 5G वगैरह के ऊपर होगा, ठीक है जी। सो ये सारे के सारे एक्सेस नेटवर्क हैं, ठीक है जी। एंड देन यू वी हैव द नेटवर्क कोर, जो कि डेफिनेटली ये पोर्शन है जिसमें हमारे पास कोर राउटर्स हैं, ठीक है जी, और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं, डिफरेंट ISPs आपस में कनेक्टेड हैं। सो ये देखें, ये इसका पियरिंग लिंक है, ठीक है। ये डायरेक्टली पियर भी हो सकते हैं और ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी IXP इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के थ्रू भी पियर हो सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम एक पोर्शन को शो करती है। ऑब्वियसली ये पूरे ग्लोबल इंटरनेट का व्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप जो देख सकते हैं पियरिंग लिंक्स हैं, ठीक है जी। वन एंड टू, टू डिफरेंट पियरिंग लिंक्स हैं बिटवीन अ रीजनल ISP एंड अ ग्लोबल ISP, एंड देन दिस कनेक्शन शोज के ओके जी आगे देर इज पब्लिक इंटरनेट ओवर हेयर, ठीक है जी। सो ये नेटवर्क के सेगमेंट्स से हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव एजेस, वी हैव एक्सेस, एंड देन वी हैव कोर, ठीक है। ओके, ये कल डिस्कस हुई थी एक क्वेश्चन के आंसर की वजह से। सो आई थिंक वी कैन स्किप इट। मैं जस्ट इस डायग्राम को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एक्सेस नेटवर्क में जो मोस्ट फेमस और मोस्ट प्रेवलेंट टेक्नोलॉजी है एक्सेस के अंदर, वो ADSL है, डेफिनेटली विदाउट अ डाउट, ठीक है जी। सो ADSL जो है वो, अगर आप एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें, अपने टेलको को ही अपना ISP बना लें, तो ये आपके ADSL बनता है। इस केस में आपको दो डिवाइसेज ऐड करने की ज़रूरत होती है, एक यहाँ पे आपके पास DSL मोडेम और स्प्लिटर ऐड होगा, और यहाँ पे आपके पास DSLAM ऐड होगा, ठीक है जी। और ये स्प्लिटर जो है, ये एक लो पास फिल्टर होता है, जो कि ये जो जो हमारे पास सॉरी इस क्रॉस एंड रॉस के पास वो फिगर नहीं है, मेरी पर्सनल स्लाइड में थी जो मैंने कल शो की थी। बहरहाल यहाँ पे आपको याद होगी कि मतलब जो 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 डेटा का पोर्शन है और जो वॉइस का पोर्शन है, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर एक्ट होता है, ठीक है। तो जो लो पास फ्रिक्वेंसीज है वॉइस की, उसको स्प्लिट करके यहाँ भेजते हैं, बाकी यहाँ पे जाता है। और DSL मोडेम जो है, ये मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मोडेम मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है जी। और मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेट मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन किसकी परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, ये काम करता है, ठीक है। सेम काम लार्ज स्केल पे सेंट्रल ऑफिस में, यानी एक्सचेंज के अंदर DSLAM करता है। DSLAM जो है वो थाउजेंड्स ऑफ होम को सर्व कर सकता है, एक सिंगल DSLAM, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है, ये है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। तो नाम से जाहिर हो रहा है कि इट मल्टीप्लेक्स एंड डी मल्टीप्लेक्स यू नो सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ होम्स और मे बी मैनी मैनी हंड्रेड ऑफ होम्स, ठीक है जी। एंड देन इट मेक श्योर कि वो इसको यहाँ पे दो डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर डाले, द PSTN सिग्नल्स टूवर्ड्स द टेलीफोन नेटवर्क विच इज़ द सर्किट स्विच वन, एंड द डाटा सिग्नल्स द एक्टिंग एज एन ISP टूवर्ड्स द डाटा नेटवर्क, ठीक है जी। अदर एग्जाम्पल्स जैसे एक्सेस नेटवर्क की, जिसमें केबल है, कि अगर आप एग्जिस्टिंग टीवी की सर्विस के ऊपर डाटा सर्विस दें, तो ये आपका केबल नेटवर्क बनता है। दिस आई एम गोइंग टू स्किप। आपका होम नेटवर्क है, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है जो कि इथरनेट पे बेस्ड हो सकता है, ठीक है जी, जैसे नस्ट का है, या वायरलेस के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट 802.11 के, और इसके अलावा 3G 4G 5G बियॉन्ड 5G की बातें हो रही हैं, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम इनकी हम हमें मुझे एक्सेस का नोशन देना था, ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं और इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर, एक्सेस नेटवर्क की डेफिनेशन दोबारा बता दें। सिंपल सी बात है, जो यूज़र को, एंड यूज़र्स को, एंड सिस्टम्स को, जो कि क्लाइंट और सर्वर्स की फॉर्म में है, कोर के साथ कनेक्ट कर रहा है, जो नेटवर्क दरमियान में जो भी चीज़ है, ठीक है, जिसको आप बेसिकली अपना लास्ट माइल कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका एक्सेस नेटवर्क होता है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस हमारे केस में जो हमारा नस्ट नस्ट का जो ईथरनेट नेटवर्क है पूरा, ये सारा हमारा इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क होगा, ठीक है। और जो हमारा नस्ट का गेटवे है, ये पर्न के राउटर के साथ कनेक्टेड है, जो कि हमारा एज राउटर होगा, ठीक है ना, वो हमारा एक्सेस लिंक होगा, ठीक है ना। और वो बैंडविड्थ है, एक्सेस नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसके लिए आप पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि आई हैव टू गो बैक टू दैट स्लाइड टू आंसर द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, सो ये देखें, ये सारे एजेस जो हैं वो हाईलाइट किए हुए, ठीक है। और ये आपका एज राउटर है, ये आपका एज राउटर है, ये आपका एज राउटर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप बेसिकली एक्सेस की बैंडविड्थ जो है वो उसके लिए पे
पे करते हैं, ठीक है, जो नर्स्ड पर्न को पे कर रहा है, जो आप लोग पीटीसीएल नेटल को अपने घरों में पे कर रहे होते हैं, वो सारी वो एक्सेस की बैंडविड्थ है, जो कि इस वक्त भी सबसे प्रेशियस या कमोडिटी है, ठीक है, जिसके लिए आप पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। सो हाईलाइट करने पे अगर हम आएँ तो ये हमारा एक्सेस नेटवर्क है, ठीक है, और ये हमारा प्राइम एक्सेस लिंक है, ठीक है जी, ये हमारा एक्सेस नेटवर्क है और ये हमारा प्राइम एक्सेस लिंक है बिटवीन द बेस स्टेशन एंड दी राउटर, ठीक है जी। एंड इसी तरीके से ये हमारा एक्सेस नेटवर्क है और ये हमारा प्राइम एक्सेस लिंक है जिसके लिए हम यकीनन पेमेंट कर रहे होंगे। सो अगर हम इसको नस्ट मान लें तो ये हमारा गेटवे राउटर है और इसको हम एज राउटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एज अ होल यूनिवर्सिटी को अगर एज डिक्लेयर करें तो इस एज को कनेक्ट कर रहा है विद द सर्विस प्रोवाइडर इटसेल्फ, ठीक है जी। लेट्स से सपोज कर लें कि ये पर्न है, ठीक है, तो ये एच ई सी में मौजूद वो राउटर है जो नस्ट के साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो एक्सेस नेटवर्क की डेफिनेशन, वायर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक्स विच प्रोवाइड द लास्ट माइल बैंडविड्थ सर्विस टू द यूजर्स, ठीक है जी, बाय कनेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम एट द एंड सिस्टम टू द कोर ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। ये सारी टेक्नोलॉजीज एक्सेस में आती हैं, ADSL केबल नेटवर्क, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, ईथरनेट बेस्ड, और ये सब जो आप अपने सेलफोन पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 4G 3G 4G एंड फ्यूचर में 5G बियॉन्ड 5G, ठीक है सर। अच्छा जी, हम ये कह सकते हैं कि ISP से आगे आगे जितना है यूजर तक वो सारा एक्सेस नेटवर्क है। यस बिल्कुल कह सकते हैं, यस बिल्कुल, ISP से आगे जितना यूजर तक है वो एक्सेस नेटवर्क है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि यूजर के गेटवे से ISP के जो कनेक्टेड राउटर है वो लिंक, वो बैंडविड्थ होती है जिसके लिए आप पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। सो उससे पीछे जो एक्सेस नेटवर्क होता है उसमें उस बैंडविड्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेसिकली, जैसे नस्ट के केस में गेटवे से पीछे नस्ट का अपना नेटवर्क है, ठीक है, लेकिन वो पार्ट ऑफ एक्सेस नेटवर्क ही है, ठीक है। बट एक्सेस बैंडविड्थ की जो पेमेंट है वो एग्जैक्टली उस लिंक पे जो मैंने अभी हाईलाइट करके दिखाई थी, जो नस्ट और पर्न के दरमियान में होगा, ठीक है ना। यस, यूजर प्रेमिसेस से लेके जहाँ तक आप की ISP से का कनेक्शन है, यस यू कैन से इन अ नटशेल दैट इज योर एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। सिंपलेस्ट ऑफ एक्सेस नेटवर्क जो कि एक डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक है वो आपका और बेस स्टेशन का, आपके सेलफोन और बेस स्टेशन का, ठीक है, देर इज नथिंग इन द मिडल, वो 3G या 4G के ऊपर है, वो आपका एक्सेस नेटवर्क है, ठीक है, वो एक ही लिंक है, सिंगल लिंक, और वो 3G 4G बेस्ड है या 5G आ गया या आ रहा है फ्यूचर में, ठीक है जी। और आई मीन दैट्स अ डायरेक्ट डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक वायरलेस बेस्ड बिटवीन अ यूजर एंड इट्स ISP, ठीक है जी, जो कि मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, मोबिलिंग, टेलनोर वगैरह, ठीक है। ओके, होस्ट पैकेट्स कैसे सेंड कर रहे हैं, हम इस पर वापस आते हैं, मीडियम को मैं स्किप करूंगा, नेटवर्क कोर की तरफ आते हैं, उसके बाद उसमें ये स्लाइड खुद ब खुद आ जाएगी, ये दिस वन होस्ट सेंड्स पैकेट ऑफ डाटा, ये वाली बात आ जाएगी। सो हमने एज को देख लिया, एक्सेस को देख लिया, अब हम कोर की बात करते हैं, ठीक है। कोर वैसे बड़ा सिंपल है, ठीक है जी, कोर इसलिए सिंपल है क्योंकि इट्स अ मैश ऑफ इंटरकनेक्टेड राउटर्स, ठीक है जी, इट इज़ अ मैश ऑफ इंटरकनेक्टेड राउटर्स, ठीक है, पार्शियल मैश टोपोलॉजी है, फुल मैश नहीं है क्योंकि फुल मैश एक्सपेंसिव बनेगी, फुल मैश का मतलब कि n(n-1)/2 कनेक्शन बनेंगे, ठीक है जी, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ईच एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी अदर नोड, ठीक है। ऑल दो इस डायग्राम में तो इट्स मे बी सिंपल बिकॉज देर इज ओनली 4 नोड्स, बट लेट्स से कंट्री लेवल पे अगर हम देखें तो जो हमारा पाकिस्तान का कोर नेटवर्क है उसमें 120 प्लस नोड्स हैं, ठीक है जी, तो 120 प्लस नोड्स को अगर आपस में कनेक्ट करने बैठ जाएंगे तो यू नीड n(n-1)/2, दैट्स अ होल लॉट्स ऑफ कनेक्शन, ठीक है। प्रीवियसली बैकबोन नेटवर्क जो हैं, जिसको कोर नेटवर्क भी कहते हैं, कोर नेटवर्क और बैकबोन नेटवर्क जो हैं प्रीवियसली रिंग की फॉर्म में होते थे, रिंग टोपोलॉजी की फॉर्म में, ठीक है, बिकॉज रिंग में एक खास खूबी है, फाइबर में कट्स बहुत आते हैं और दुनिया भर में कोर नेटवर्क जो हैं वो फाइबर बेस्ड हैं, ठीक है जी, क्योंकि फाइबर ही वो वाहिद कम्युनिकेशन मीडियम है जो कोर में मौजूद ट्रैफिक को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। सो क्योंकि फाइबर में कट्स बहुत आते हैं, वो एक बहुत डेलिकेट मीडियम है, तो फाइबर के कट्स को रिंग में 1+1 प्रोटेक्शन होती है, रिंग में आपके पास एक क्लॉकवाइज पाथ है और एक एंटी क्लॉकवाइज पाथ है, ठीक है, अनलेस एंड अंटिल यू हैव टू साइमल्टेनियसली टू कट्स इन द फाइबर, तब आपका नेटवर्क जो है वो कुछ पोर्शन ब्लैकआउट में चला जाएगा, अदरवाइज फाइबर जो है वो 1+1 प्रोटेक्शन, सॉरी रिंग जो है, रिंग टोपोलॉजी 1+1 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये ऐसी एडिशनल टिडबिट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो लेकिन अब जो है वो फ्यूचर, इस वक्त करंटली जो पूरी दुनिया है वो
पार्शियल मैश की तरफ जा रही है. सो अगर आप इसमें भी देखें, दिस इज अ रिंग, ठीक है, दिस इज अ रिंग ऑफ थ्री नोड्स, ओके, कोर नेटवर्क के अंदर. दिस अगेन इज अ रिंग, इट्स अ रिंग नेटवर्क, 1, 2, 3, 4 नोड्स का रिंग है, ठीक है, ओके. बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसमें टू स्मॉल रिंग्स तो बनते हैं, बट दिस वन इज अ पार्शियल मैश, ठीक है जी, नॉट फुल मैश. फुल मैश जब होगा जब हम यहाँ पे ये लिंक भी ऐड कर देंगे, बट दिस वन इज अ पार्शियल मैश, ठीक है जी. सो इट्स अ मैश ऑफ इंटर कनेक्टेड राउटर्स, जो नेटवर्क कोर है, ठीक है जी, कोर राउटर्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पार्शियल मैश, ठीक है. और ये क्या है, ये पैकेट स्विचिंग डिवाइसेज हैं, ठीक है. होस्ट जो है वो एप्लीकेशन लेयर के मैसेजेस को पैकेट्स में ब्रेक करता है, ठीक है. हम OSI मॉडल में पढ़ेंगे कि वो ब्रेकिंग कैसे होती है, हेडर कैसे कैसे अटैच हो रहे होते हैं, बहुत क्विकली देखेंगे इसको, ठीक है. लेकिन ये पैकेट उसके बाद वन राउटर टू अनदर जो है वो फॉरवर्ड होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है. और मैं एक बात करता हूँ कि हर पैकेट जो है वो अनलाइक सर्किट स्विचिंग, अभी हम सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में. तो अनलाइक सर्किट स्विचिंग जिसमें आपके पास एंड टू एंड पाथ डेडिकेटेड होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ अगर सर्किट स्विच पाथ है तो वो इन सारी नोड्स के ऊपर एक चंक ऑफ बैंडविड्थ डेडिकेटेड होगा, इन सब नोड्स के पूरे पाथ पे एक चंक ऑफ बैंडविड्थ डेडिकेटेड होगा. बट अनलाइक सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग में मैसेज जो है वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट नहीं होता, पैकेट की फॉर्म में जो है वो ब्रेक होके जाता है. और हर पैकेट, जैसे मैं एक फनी सेंस में कहता हूँ बाज़ात, कि हर पैकेट अपना नसीब लेके निकलता है, ठीक है जी. उस वक्त उसको कितनी कंजेशन मिलेगी राउटर में, ये पैकेट टू पैकेट चेंज होती रहती है, क्योंकि सर्किट स्विचिंग में पैकेट स्विचिंग में देर इज नो गारंटी ना डिले की ना बैंडविड्थ की, ठीक है. लेकिन जब भी उसकी बारी आएगी ट्रांसमिट होने की, तो ईच पैकेट इज ट्रांसमिटेड एट द फुल लिंक कैपेसिटी, ठीक है. ये बातें आगे और डिटेल में पढ़ते हैं. अब इस स्लाइड को देखते हैं जिसको हमने यहाँ पे स्किप किया था, ठीक है, और इस जगह पे ये वाली स्लाइड थी, ठीक है, जिसमें हम देख रहे थे कि होस्ट जो है वो पैकेट्स किस तरह से फॉर्म कर रहा है और सेंड कर रहा है, ठीक है. सो पैकेट्स एल बिट्स के हैं. जी जी बताइए सर. वो वेटिंग में कुछ गर्ल्स वेटिंग, गर्ल वेटिंग में उसको अब एक्सेप्ट कर ले. आई एम सो सॉरी बट ये अभी तक चल रहा है. मैं देख लेता हूँ. अब तो हम काफ़ी सारी बात कर चुके हैं और मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही कि बस ये एक ही है, शाजमा अफजल, आई हैव एक्सेप्टेड इट. मुझे एक पेंडिंग है. अच्छा ठीक है, ओके चलें, ये फिर ज्वाइन कर लेंगे कॉल, हमारी कॉल चल रही है. बट आई एम अ बिट सरप्राइज के 46, आई मीन मुझे अटेंडेंस लिस्ट तो 38 की मिली हुई है. खैर डजंट मैटर. ओके सो एल बिट का पैकेट आर ट्रांसमिशन रेट है, तो जो पैकेट का ट्रांसमिशन डिले बनेगा दैट इज एल बाय आर, ठीक है. सो ये बात यहाँ पे स्लाइड पे है, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हम इस स्लाइड के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे आते हैं. राइट जी, सो पैकेट स्विचिंग में एक नया फिनोमेना हमारे पास क्या होगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड, ठीक है जी. यानी कि देखें हमारे पास एक मिनट है, ठीक है, सर्किट स्विचिंग बाद में आ रही है, ठीक है चलें. पैकेट स्विचिंग में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास डेडिकेटेड चंक ऑफ बैंडविड्थ नहीं है, ठीक है ना. जस्ट लाइक अ टेलीफोन कॉल जिसमें हमारे पास बेशक जस्ट 4 kHz का बैंड मिल रहा है, लेकिन एंड टू एंड, यू नो, फ्रॉम वन यूजर जिसने एक तरफ फोन उठाया हुआ टू द अदर यूजर जिसने दूसरी तरफ फोन जो है वो पिक किया हुआ बात कर रहे हैं, उनके दरमियान वो 4 kHz का 4000 यू नो हर्ट्ज का सर्किट जो है वो स्टैब्लिश्ड है, डेडिकेटेड है, वो एक दूसरे को होल्ड कराएं, कुछ भी करें, ठीक है जी, वो चंक ऑफ बैंडविड्थ उन्हीं का है, ठीक है. चाहे वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, साइलेंस पीरियड में भी वो डेडिकेटेड बैंडविड्थ उनकी है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं है. पैकेट स्विचिंग में बैंडविड्थ जो है वो बैंडविड्थ रिसोर्स जो है वो शेयर हो रहा है, ठीक है. जब शेयर हो रहा है तो पैकेट्स जो हैं वो एक स्टोर एंड फॉरवर्ड, यानी पैकेट, अभी हमने पिछली स्लाइड पर जो बात की पैकेट कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं, कि होस्ट जो है वो एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि देखें इस बात को समझें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो पाथ है इस पे डेडिकेटेड सर्किट नहीं स्टैब्लिश्ड. अगर डेडिकेटेड सर्किट स्टैब्लिश्ड होगा तो फिर उस केस में इनको बार बार एक दूसरे को, यानी कि इस डेडिकेटेड सर्किट के ऊपर ये दोनों होस्ट अपनी इंफॉर्मेशन को एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम की फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है. बट अनलाइक दैट पैकेट्स में ये
ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप एक खत के अगर 10 सफ़ों के 10 हिस्से कर दें, ठीक है जी, एक एक लेटर के, और उन उसको 10 डिफरेंट एनवेलप्स में भेजें, तो आपको हर एनवेलप के ऊपर वो इम्पोर्टेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी जो कि ज़रूरी है उस लेटर को, उस लेटर के उस पीस को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के हर पैकेट में, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर ने मैसेज को पैकेट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना, ताकि पैकेट स्विचिंग का एडवांटेज लिया जा सके, ठीक है ना, और बैंडविड्थ डेडिकेट ना करनी पड़े, बैंडविड्थ शेयर शेयर हो जाए यूजर्स के दरमियान. तो इसके लिए फिर उनको ये भी करना पड़ेगा कि हर पैकेट के ऊपर इंपॉर्टेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, उसका सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, उसका पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, मैक एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है, और ये हर लेयर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी, ठीक है ना. ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना. ओ एस आई मॉडल को जब हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे तो हम ये वाली बातें पढ़ेंगे कि लेयर अपना हेडर अटैच करती है, और हर लेयर किस तरह का हेडर अटैच करती है, और उसका प्रिंसिपल क्या होता है. लेकिन आपको बात समझ आ रही है कि जब इस तरह आप एक लेटर के 10 पीसेस कर देंगे, तो आपको लेटर के हर पीस के ऊपर उसको एनवेलप में जब बंद करेंगे, वो एनवेलप, वो रैपर है, वो हेडर है, जो हर जो लेयर अटैच कर रही है, ठीक है ना. यहाँ पे भी जो मैसेज एप्लीकेशन लेयर से आ रहा है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर अपने अपने रैपर्स अटैच कर रही हैं, ठीक है, अपने हेडर्स अटैच कर रही हैं. सो इसलिए होगा क्या, फिर जो दरमियान में इंटरमीडिएट नोड्स हैं, यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, अब ये पैकेट यहाँ से चल रहा है तो ये इंटरमीडिएट नोड आई, ठीक है, इसने पैकेट, हर पैकेट को प्रोसेस करना है. तो पैकेट को प्रोसेस करने के लिए इसको पहले पूरा पैकेट स्टोर करना होगा यहाँ पे, ठीक है, मेरा माउस फॉलो कर रहे हैं ना, स्टोर करना होगा और फिर फॉरवर्ड करेगा. यहाँ पे पैकेट पहुँचेगा, ये पैकेट को पहले पूरा स्टोर करेगा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा और फिर फॉरवर्ड करेगा, ठीक है जी, ओके. सो इसको, इस फिनोमिना को स्टोर एंड फॉरवर्ड फिनोमिना कहते हैं, ठीक है ना. और इस फिनोमिना को यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है कि ये फिनोमिना एक खास तरह के डिले का बाइस बनता है फिर, जिसको हम ट्रांसमिशन डिले कहते हैं, ठीक है. और ट्रांसमिशन डिले कैसे डिनोट हो रहा है, एल बाय आर से, ठीक है. और एल इज़ द लेंथ ऑफ द पैकेट एंड आर इज़ द रेट ऑफ द ट्रांसमिशन लिंक, ठीक है, बिकॉज ये दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है जिसके ऊपर ये डिले डिपेंड करेगा. और इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, ट्रांसमिशन डिले को, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ मशीन या फॉर अ मशीन टू पुश आउट ऑल द पैकेट फ्रॉम फर्स्ट बिट टू द लास्ट बिट, ठीक है. सो एवरी मशीन टेक्स एल बाय आर सेकेंड्स टू ट्रांसमिट या पुश आउट एल बिट्स पैकेट इन टू द लिंक ऑफ रेट आर, ठीक है जी. तो ये देखें यहाँ पे, जस्ट टू इलस्ट्रेट, पैकेट को ऐसा दिखाया गया कि जैसे हाफ ऑफ द पैकेट, यू नो, ये ब्लू स्लैब्स हैं, ये ट्रांसमिट हो रही हैं, हाफ ऑफ इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड एंड द अदर हाफ इज ओवर हेयर. पिक्यूलर सिनारियो है, बट अगर डिटेल में जाएं तो ये ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है. अगर ये आर जो है इसका रेट बहुत ज़्यादा है और जो है वो एल इज़ द लेंथ ऑफ द पैकेट, सो एल के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसमिशन डिले. अगर एल ज़्यादा होगा तो ट्रांसमिशन डिले भी ज़्यादा होगा, और आर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी. अगर आर ज़्यादा होगा तो ट्रांसमिशन डिले कम होगा, ठीक है जी, ओके. सो सर फॉर एक फॉर क्वेश्चन, इंस्टेंस जी बताइए. सर ये जो पैकेट्स के हेडर्स लगते हैं, के अंदर जो आईपी बता रहे हैं, डेस्टिनेशन आईपी आ रहा होता है और सोर्स आईपी आ रहा होता है, ये डेस्टिनेशन आईपी नेक्स्ट हॉप का होता है कि जो फाइनल जहाँ पे पहुँचना है उसने? बहुत ही हमागीर किस्म का सवाल किया आपने, ठीक है. अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन. इसके ऊपर पूरी बातचीत करनी पड़ जाएगी. मैं इसका नटशेल में आंसर देता हूँ, ठीक है. हम अगर आगे आ इसके रहा तो सर स्किप कर दे बेशक, आगे तो इंशाल्लाह सब कुछ आएगा, ठीक है. बस ठीक है स्किप मैं कर दे पहले बेशक. नेटवर्किंग की एक आई वुड लाइक किस कुछ लोगों के लिए रिपीटिशन होगी, माजरत उन लोगों के लिए जिनकी नेटवर्क की बेस बहुत स्ट्रांग है, बट ये पहला सेमेस्टर होता है और ये एक कोर कोर्स है, ठीक है जी. तो मैं पहले हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स में क्रॉस एंड रॉस की बुक को फॉलो करते हुए एज अ टेक्स्ट बुक नेटवर्किंग की पूरी बेस डेवलप करूंगा, ताकि सबको सेम पेज पे लाया जाए, ठीक है. और ये वो की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है. उसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाएंगे. इसमें लेयर टू लेयर 3 भी इंक्लूडेड है, तो कोर्स का मैंडेट टच हो रहा है. ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई आउट ऑफ द वे आउट ऑफ द आउटलाइन चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ लेयर टू लेयर 3 पे डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए, हमें इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर को भी टच करना है, ठीक है. मैं नटशेल में आंसर जरूर दूंगा, क्वेश्चन आ गया तो मैं इसका आंसर दूंगा. आईपी एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का सेम रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है, ओके. मैं इसको बाद में समझाऊंगा. आईपी एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन का चेंज नहीं होता. मैक एड्रेस वो एड्रेस है जो होप बाय होप ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है. लेयर टू का जो काम है ना, लेयर टू का ठीक है काम सर, वो है नोड टू नोड ट्रांसमिशन. हर नोड के ऊपर मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा.
ठीक है, अगर आप हर नोड के ऊपर किसी तरीके से पैकेट को कैप्चर कर सकें, ठीक है, तो हर नोड के ऊपर, यानी एग्जांपल के साथ नटशेल में मेरे माउस को फॉलो कीजिएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिशन हो रही है, सोर्स आईपी इस होस्ट का आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी इस होस्ट का आईपी होगा, ये पूरे रास्ता चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पर सोर्स मैक देखें तो वो इस होस्ट का होगा, डेस्टिनेशन मैक इस होस्ट का, इस राउटर का होगा, और ये जब यहाँ पे पैकेट आएगा तो सोर्स मैक इसका, डेस्टिनेशन मैक इसका, फिर जब यहाँ पे पैकेट आएगा तो सोर्स मैक इसका, डेस्टिनेशन मैक इसका, फिर जब यहाँ पे आएगा तो अप टू सो ऑन। सोर्स जो मैक एड्रेसेस होते हैं वो लेयर टू के एड्रेसेस होते हैं, लेयर टू डाटा लिंक लेयर के, और लेयर टू का काम है नोड टू नोड ट्रांसमिशन, नोड टू नोड, नोड टू नोड, नोड टू नोड, ठीक है। तो मैक एड्रेसेस हर नोड पे चेंज होते हैं, जबकि जो आईपी एड्रेस होते हैं वो लेयर थ्री के एड्रेस होते हैं, नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, नेटवर्क लेयर के, और नेटवर्क लेयर का काम है होस्ट टू होस्ट ट्रांसमिशन, इस होस्ट से इस होस्ट तक ट्रांसमिशन, ये पूरा का पूरे पाथ में चेंज नहीं होगा आईपी एड्रेस, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ये नटशेल में आंसर है, बट ये बात आगे भी आएगी जब हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तो, ठीक है। सो यहाँ पे इस स्लाइड पे ये बात हो रही है, ठीक है जी। सो स्टोर एंड फॉरवर्ड डिले की बात हो रही है, ठीक है। सो एंड टू एंड डिले अगर आप देखें तो एक सिंगल पैकेट के लिए एल बाय आर टाइम यहाँ पे लगेगा उसको ट्रांसमिट करने में, और एल बाय आर टाइम जब वो यहाँ पहुँचेगा तो दोबारा ये राउटर लेगा एल बाय आर टाइम, और 2 एल बाय आर में ये पैकेट जो है वो इस डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि इसी फिगर के एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज कि ये 3 स्लैब्स हैं तो 3 पैकेट्स हैं, तो टोटल टाइम इन 3 पैकेट्स का इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का कितना लगेगा टोटल टाइम? इन 3 पैकेट्स को टोटल टाइम, प्रोवाइडेड के हम बाकी सारे डिले को जीरो अज्यूम करें, अभी हमने सिर्फ एक टाइप का डिले पढ़ा जिसको ट्रांसमिशन डिले हम कह रहे हैं, या स्टोर एंड फॉरवर्ड फिनोमेने की वजह से जो आ रहा है, अभी बाकी टाइप के डिलेज हैं जो हमारे डिले के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूइंग डिले होता है, प्रोसेसिंग डिले होता है, हम पढ़ेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन डिले की अगर खाली बात की जाए, अज्यूमिंग ऑल अदर डिलेज आर जीरो, तो टोटल इन 3 पैकेट्स का इस होस्ट से इस होस्ट तक पहुंचने का ट्रांसमिशन डिले कितना बनेगा? सिंगल पैकेट का 2 एल बाय आर है तो आपने कहा 3 पैकेट्स हैं तो 6 एल बाय आर हो जाएगा। एनीवन एल्स बताइए प्लीज। 2 एल बाय आर में ये 2 का क्या मतलब है दोबारा सर? ये 2 एल बाय आर ही रहेगा क्योंकि प्रोपगेशन डिले 0 है, इसलिए प्रोपगेशन डिले 0 है। अच्छा, कोई बताए प्लीज, इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, आसान सी बात है। मैं पहले 2 को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट मेरा क्वेश्चन वहीं स्टैंड कर रहा है, बाकी लोग सोचें और मुझे बताएं इसका जवाब। 2L by R कैसे आ रहा है? एक सिंगल ट्रांसमिशन डिले की डेफिनेशन, बैक टू द बेसिक्स दोबारा, इट टेक्स L by R सेकेंड टू ट्रांसमिट या पुश आउट एन L बिट पैकेट इनटू अ रेट इनटू अ लिंक ऑफ रेट R बिट पर सेकेंड, ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। यानी कि L by R सेकेंड रखते हैं, ये ट्रांसमिशन डिले अंग्रेजी में बात करते हैं, L और R को भूलें, वो टाइम जो किसी डिवाइस को पैकेट, कंप्लीट पैकेट को फर्स्ट बिट से लेकर लास्ट बिट तक जो कंप्लीट पैकेट है उसको लिंक पे पुश करने में लगेगा, ठीक है। चाहे वो लिंक वायर्ड है, ईथरनेट बेस्ड है, या वायरलेस लिंक है, आपके सेलफोन को फर्स्ट बिट से लास्ट बिट तक वायरलेस सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करने में जो टाइम लग रहा है ना, ये एकदम से नहीं हो जाता, ठीक है। ये किसी ना किसी मीडियम के ऊपर, फिजिकल लेयर के ऊपर, चाहे वो वायर्ड है या वायरलेस है फिजिकल लेयर, उसके ऊपर फ्रेम जो है, फ्रेम डाटा लिंक लेयर की तरफ से जो फ्रेम फिजिकल लेयर को आता है वो बिट बाय बिट ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में, फाइबर है तो लाइट या नो लाइट के फॉर्म में, यू नो, लाइट ऑन या ऑफ के फॉर्म में, या फिर वायरलेस सिग्नल्स में साइनोसाइडल वेव्स की, या किसी वायरलेस वेव फॉर्म की फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में होगा, एल बिट का जो पैकेट है उसकी फर्स्ट बिट से लास्ट बिट तक पुश करने में लिंक के ऊपर एक टाइम लगेगा, ठीक है ना। वो जो टाइम है वो एल बाय आर है, ठीक है, वो एल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा बिट्स होंगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि जो रेट है लिंक का वो जितना ज्यादा होगा उतना कम टाइम लगेगा, तो एल बाय आर, ठीक है, ओके ना। बड़ा इजी, एल बाय आर तो समझ आ गया था सर, ये मैं कह रहा हूं, ये जी मैं आगे बता रहा हूं। सो एल बाय आर इस पीसी को लगा इस पैकेट को पुश करने में, और एन इसी पैकेट को जब ये राउटर पे पूरा स्टोर हो गया और राउटर ने इसका हेडर पढ़ लिया कि अच्छा जी इसको मुझे कहाँ किस तरफ फॉरवर्ड करना है, स्टोर एंड फॉरवर्ड जो मैंने अभी बात बताई आपको, तो ये राउटर अब अनदर एल बाय आर लेगा इस पैकेट को भेजने में।
तो टोटल एंड टू एंड डिले एक एक पैकेट का 2L/R लगा, एज्यूमिंग कि बाकी सारे डिले जीरो हैं, प्रोपगेशन, प्रोसेसिंग और क्यूइंग कोई डिले नहीं है बाकी लगा, ठीक है। तो ये एज्यूम अगर हम करें तो एक सिंगल पैकेट, ये जो स्लैब यहाँ नजर आ रही है, एक सिंगल पैकेट को इस होस्ट से इस होस्ट तक पहुंचाने में 2L/R टाइम लगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो तीन पैकेट्स हैं, इन तीन पैकेट्स को इस होस्ट से इस होस्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 6L/R. 6L/R इज रॉन्ग, कम ऑन, कोई तो ठीक बताए, बहुत आसान सी बात है। आफ्टर एल बाय आर टाइम पहला पैकेट कहाँ होगा? इस राउटर के ऊपर, एल बाय आर टाइम के बाद, आफ्टर एल बाय आर फर्स्ट पैकेट यहाँ होगा। आसिम ने क्लास स्टार्ट कर दी है। अच्छा जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, फर्स्ट पैकेट यहाँ होगा, ठीक है। एंड आफ्टर 2L/R फर्स्ट पैकेट यहाँ होगा और सेकेंड कहाँ होगा? राउटर पे। सेकेंड इस जगह पे होगा, ठीक है। आफ्टर 3L/R सेकेंड पैकेट इस जगह पे होगा और थर्ड कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। और आफ्टर 4L/R ऑल थ्री पैकेट्स विल बी ट्रांसमिटेड ओवर हियर, ठीक है। वी कंक्लूड 4L/R इज द राइट आंसर, वी कंक्लूड ओवर हियर, ठीक है। एंड कोई क्वेश्चन किसी का है जी? आई एम रियली सॉरी, मैं एक्सीड कर गया अपने टाइम से। आप लोग ज्वाइन करें आसिम साहब की क्लास को, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, तो बस ये जो आपने लास्ट में बताया है इसको रिपीट कर दें। अच्छा जी, चलें, जिनकी क्लास है वो मीटिंग लीव कर दें बेशक, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ, आई एम हियर फॉर द क्वेश्चन। अटेंडेंस होगी हमारी जी,